पंछी गाने लगे, खिड़कियां भी खुल गई, पढ़ने पढ़ाने की अखबार पुरानी हो गई। फिर भी कैसा कोहरा है, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों टूट गया, कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रह गए। है घर कहीं जवाब तो चलकर उसे हम ढूंढ लें, चलकर उसे हम ढूंढ लें, चलकर उसे हम ढूंढ लें। पिछली बार की परिक्रमा में मैंने आंध्र प्रदेश में साक्षरता आंदोलन की विभिन्न उपलब्धियों को देखा कि किस तरह साक्षरता आंदोलन से विकसित चेतना महिलाओं के शराब विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गई। साक्षरता कार्यक्रम से समाज में विशेष रूप से महिलाओं में आई जागृति को भी देखा कि किस तरह वो स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ सफाई और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हुई है। आंध्र प्रदेश में स्व सहायता समूहों और सतत शिक्षा केंद्रों के माध्यम से जहां शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्य चल रहे हैं, वहीं छूट गए लोगों को साक्षर बनाने का काम भी साथ साथ चल रहा है। प्रयास तो निरंतर है पर निरक्षरों की संख्या अभी भी काफी है। महाराष्ट्र की जमीन हमेशा से ही सामाजिक बदलावों की उर्वरा भूमि रही है। यहाँ के गांव गवाह हैं कि इतिहास में यहाँ एक से बढ़कर एक सामाजिक आंदोलन हुए हैं। और किसी भी समाज में बदलाव की उत्कंठा तभी होती है जब वहां जागृति हो। मुझे लगता है मेरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि समाज में शिक्षा से ही तो जागृति आती है। शाहिरीचा फडकला चंग, शाहिरीचा फडकला चंग, शाहिरीचा फडकला चंग, सभा झाली दंग, आला प्रसंग तुम्ही ऐका, आला प्रसंग तुम्ही ऐका, आला प्रसंग तुम्ही ऐका। ये तो जागृति का ही गीत गा रहे हैं। ये तो वही बात कह रहे हैं ना कि सरकार ने साक्षर समाज बनाने का आह्वान किया है, हम सब की जिम्मेदारी है इसे सफल बनाए। इस गीत के माध्यम से ये लोगों को निरक्षरता का अंधेरा मिटाने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। वाह, गीत के बोल भी कितने प्रेरक हैं। कामगार भाइयों, अब जल्दी से उठ जाओ, पढ़ना लिखना सीखो, अब और धोखे में मत रहो। लगता है ऐसे ही प्रयासों से देश के पैमाने पर महाराष्ट्र 10वें स्थान पर है। ९९१ में भी यहां की साक्षरता दर लगभग 65% थी, 2001 में 77% हो गई। पुरुषों में साक्षरता तो अच्छी है, 100 में 86 साक्षर हैं।
इस तुलना में महिलाओं की साक्षरता थोड़ी कम लगती है। 100 में 67 साक्षर हैं। शायद इसीलिए यहाँ महिलाओं को साक्षर बनाने पर ज्यादा जोर है। अनपढ़ माँ घर की बर्बादी, पढ़ी लिखी माँ से घर की उन्नति, नारा तो सचमुच ही प्रेरक है। मुझे महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में जाकर देखना चाहिए। वर्धा जिला गांधी जी के समय से ही सामाजिक पुनर्निर्माण की कर्मभूमि रहा है और गांधी जी स्वयं निरक्षरता को राष्ट्र पर कलंक मानते थे। मुझे वर्धा के गांवों में पता करना चाहिए, क्या पता यही मेरे गांव के लिए भी कोई रास्ता मिल जाए। आमच्या मार्फत या वर्धा जिल्ह्यामध्ये इथे हम शिक्षकों के माध्यम से 1992 में वर्धा जिले में साक्षरता का काम शुरू हुआ। इसमें हमने लोगों को शामिल कर एक को एक पढ़ाई नारे को अमल किया। या प्रमाणे या अभिमानाची सुरुवात झाली। शाळेतल्या मुलांनी, हमें गर्व है कि इस पुण्य काम को जिले के शिक्षकों ने पूरी जिम्मेदारी से पूरा किया। राज्य के जिन 2 जिलों में पहले पहल साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ उनमें वर्धा भी एक था। मुझे तो लगता है पढ़ाने वालों के साथ साथ पढ़ने वालों में भी उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। यहाँ तो जिले में निरंतर शिक्षा की बातें हो रही हैं। लगता है लोग थोड़े मायूस भी हैं। सरकार से निरंतर शिक्षा कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ करने के लिए निवेदन करने पर विचार विमर्श हो रहा है। मुझे इन लोगों से बात करके और भी जानकारी मिल सकती है। 2 साल तक हम लोगों ने भरपूर मेहनत करके पूरे जिले को साक्षर किया। उसके बाद काफी दिन हुए निरंतर शिक्षा कार्यक्रम की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि वर्धा जिला पूरे महाराष्ट्र में पहला संपूर्ण साक्षर जिला है। इसके लिए हम लोगों को जिला परिषद से मान पत्र भी दिया गया। अच्छा, तो निरंतर शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार इस तरह से हो रहा है। ठीक भी है, नव साक्षर इस तरह साथ मिलते बैठते रहेंगे तो माहौल बना रहेगा। हमने तो पढ़ना लिखना सिखा दिया, अब 4 महीने से सब बंद है, फिर भी लोग तो आते ही रहते हैं। शाम को पढ़ते थे, बंद हो गया तो सब कुछ भूल रहे हैं। लेकिन रंगों को आकृति देने का ये प्रयास एक विश्वास भी जगाता है मन में, विश्वास आने वाले कल की बेहतरी का। शायद वर्धा जिले में साक्षरता कार्यक्रम की सफलता से ये विश्वास अंकुरित हुआ है, जो संभवतः निरंतर शिक्षा कार्यक्रम के साथ पीछे छूट गए लोगों तक, खेतों और खलिहानों तक पहुंच जाए। वर्धा में शिक्षा के प्रति लगन को देखकर मन चाहता है कि महाराष्ट्र के कुछ अन्य स्थानों की भी जानकारी लूं। हो सकता है कोई नया अनुभव प्राप्त हो। नागपुर की ये दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति की एक और मिसाल है। ये स्थान भारत के बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर में बाबा ताजुद्दीन का ये मजार भी अपने आप में सामाजिक समरसता का ही प्रतीक है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी मन्नत मांगने आते हैं। मैं तो बस छूट गए लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्या पता नागपुर में ही कोई रास्ता मिल जाए। नागपुर में साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत
2 अक्टूबर 1995 में हुई थी। इसका जो पहला सत्र है वो पूरा हो चुका है और 15 अगस्त 2000 से हमने इसके साक्षर उत्तर कार्यक्रम की शुरुआत की है और वो इस समय चालू है। साक्षर उत्तर यानी साक्षरता के आगे सचमुच यहाँ तो वही हो रहा है। सब नव साक्षर है, हो सकता है कुछ छूटे हुए भी हो। इन्हें तो स्वच्छ जल और प्रदूषित जल के बारे में बताया जा रहा है। अक्षर जब शब्दों में जुड़ जाते हैं तो सचमुच उनका अर्थ कितना व्यापक हो जाता है। पानी जैसी उपयोगी चीज के बारे में कितनी गंभीरता से चर्चा हो रही है और महिलाएं भी कितने ध्यान से बातों को सुन रही हैं। क्या इन बातों पर अमल भी होता है? मुझे गांव में जाकर देखना चाहिए। अरे वाह, आश्चर्य की बात है, यहाँ तो हूबहू अमल हो रहा है। पीने के पानी को लेकर इतनी सतर्कता, जैसा साक्षरोत्तर कक्षा में बताया गया ठीक वैसे ही पानी को छान कर लिया जा रहा है। वैसे भी ये तो सच है कि शिक्षा का दृष्टिकोण अगर व्यापक हो तो जीवन जीने का तरीका और रहन सहन भी स्वस्थ हो जाता है। शिक्षा से हम लोग समझते हैं कि पानी कैसा कैसा होता है, गंदे पानी से क्या क्या नुकसान है और उससे कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, मलेरिया कैसे होता है, डायरिया और उल्टी आने वाली बीमारियां किन कारणों से होती हैं, पानी को छानकर नहीं तो गर्म करके पीना चाहिए, जल जमाव में ब्लीचिंग का छिड़काव करना, ये सब मैंने सीखा है। सचमुच शिक्षा ने तो यहाँ का दृष्टिकोण ही बदल दिया है। साक्षरोत्तर कक्षा में गाए जा रहे इस गीत का आशय भी यही लगता है। अक्षरों से तस्वीर बदलने का आह्वान है, राज्य और राष्ट्र को साक्षर बनाकर चेहरा बदलने की बात है इसमें। मुझे इनसे बात करके पता करना चाहिए कि साक्षरता से कितना बदलाव आया है। पिछले 5 साल से हम लोग इस काम में लगे हैं तो थोड़ा तो बदलाव आया ही है। अब ये लोग सवाल पूछती हैं कि हमने तो थोड़ा बहुत पढ़कर अपना नाम लिखना सीख लिया है, अब इससे लाभ क्या हुआ है? तो मैं इन्हें कहती हूँ, तुम लोग पेपर पढ़ सकती हो, योजनाओं के बारे में जान सकती हो और अपना रोजगार भी कर सकती हो। सरकार को भी इस मामले में सोचना चाहिए। साक्षरोत्तर कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं। जो लोग साक्षरता कार्यक्रम में किसी कारणवश इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं हो पाए थे उनको हम साक्षरोत्तर कार्यक्रम के माध्यम से साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारा मकसद है कि जिन लोगों को साक्षरता अभी अभी प्राप्त हुई है, नव साक्षर जिन्हें हम कहते हैं, तो उनकी साक्षरता और सुदृढ़ हो सके, ये हमारा प्रयास है। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो साक्षर हो चुके हैं ऐसे लोग सिर्फ साक्षर ही नहीं रहे बल्कि एक जागरूक नागरिक बन सकें, समाज में उनका जो परिवेश है उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो इसके लिए जो आवश्यक ज्ञान, उसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी हिस्सा आता है, तो वो भी हम उन्हें दे सकें जिससे कि वो एक अच्छा एक सामाजिक कार्य कर सकें और एक अधिक जागृत नागरिक बनके समाज में रह सकें। साक्षरोत्तर कार्यक्रम का उद्देश्य तो सचमुच ही बहुत व्यापक है, लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि असली उद्देश्य जमीन तक पहुंचते पहुंचते लक्ष्य से भटक जाता है? नहीं तो मेरे गांव के लोग पीछे नहीं छूटते। मुझे इस केंद्र के अंदर जाकर देखना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ स्वयं सहायता ग्रुप बनाने की चर्चा हो रही है।
अक्षरों से शब्दों तक आते ही कैसे नए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ की महिलाएं स्वसहायता समूह बनाकर कोई स्वरोजगार शुरू करने की बातों पर विचार करने लगी हैं। हम लोगों ने यहाँ 10 महिलाओं ने मिलकर एक महिला बचत समूह बनाया है। उसमें प्रतिमाह हम लोग 1500 रुपया जमा करते हैं। इस रुपए को बैंक में रखते हैं। सोच रहे हैं कि बैंक से अगर हमें थोड़ा ऋण मिल जाए तो अपना उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं। हम लोग भी कुछ व्यवसाय करने के लिए एक ग्रुप बनाने पर सोच विचार कर रहे हैं। महिलाएं सोचती हैं साक्षरता में पढ़ाई की है तो कुछ तो करना ही चाहिए। किस काम का प्रशिक्षण मिल सकता है ये भी सोच रहे हैं। कुछ लोग लकड़ी के खिलौने बनाने और कोई मशरूम पालने आदि के बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं तो स्वरोजगार की चर्चा से ही खुश हैं। वैसे ये उत्साह भी जरूरी है, लेकिन उत्साह से ही कोई काम तो शुरू नहीं हो सकता ना। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। जो हमारा साक्षर उत्तर कार्यक्रम है उसमें हम नव साक्षरों को उनके पसंद के हिसाब से और उनके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन्हें कुछ स्किल्स देना चाहते हैं, कुछ इस तरह का कौशल्य वृद्धि करना चाहते हैं जिससे कि वो कुछ न कुछ आर्थिक अपना विकास कर सकें, कुछ ऐसा उत्पन्न अपना इनकम जनरेशन जिसे बोल सकते हैं हम वो कर सकें। तो उसके तहत हम लोगों ने नव साक्षरों का चयन किया है और उन्हें अलग तरह के हम स्किल्स दे रहे हैं। आज आप लोग सादा ब्लाउज यानी साड़ी पर का ब्लाउज सीखेंगे। ये तो सचमुच अच्छी बात है कि प्रशिक्षण पसंद और जरूरत के अनुसार ही होना चाहिए, नहीं तो किसी काम का नहीं रह जाता। अगर गांव की सारी महिलाएं ही सिलाई सीख लें, तो कपड़े सिलवाने कौन किसके पास जाएगा? इससे रोजगार तो नहीं बढ़ सकता ना। इसीलिए यहाँ अलग अलग गांवों से चुनी गई नव साक्षरों को सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह अगर नव साक्षरों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही प्रशिक्षित किया जाए तो ये ज्यादा लाभकारी हो सकता है। नव साक्षरों को प्रशिक्षण देने का तरीका भी अधिक व्यावहारिक हो तभी तो उन्हें सीखने में भी सुविधा होगी। मुझे लगता है इन प्रशिक्षु नव साक्षरों से बात करनी चाहिए। इनके यहाँ तक पहुँचने के अनुभव से मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है। पहले मैं मजदूरी करने जाती थी। इसी बीच हमारे गांव में एक मैडम ने बड़ों को पढ़ाना शुरू किया तो उसमें मैंने भी सीखा। अब मैं थोड़ा पढ़ लिख लेती हूँ। और कुछ दिन पहले हमारे पास इस प्रशिक्षण के लिए चिट्ठी आई और अब तो मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ। यहाँ पे नव साक्षरता में बहुत लोग हैं जो अनपढ़ है और इन लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे कभी कभी टेप के भी सेंटीमीटर इंच नहीं समझते थे तो मैंने उसको अपने बिल्लत से समझाया है और उंगलियों के बदौलत उनको बताया है कि एक आधा इंच इधर, दो इंच इधर, और इस प्रकार उन्होंने बिल्लत से और हाथ से माप ले लेके उन्होंने ब्लाउज सीखा है। और उनको ब्लाउज सबसे ज्यादा ट्रेन किया गया ताकि वो गाँव में जाके एक ब्लाउज सिलेंगे तो भी उनको 15 रुपया रोज मिलेगा, दो सिलेंगे तो 30। इस प्रकार वे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आए आज तक 29 स्टूडेंट है जो मेरे पास सीख रहे हैं। यहाँ आकर मैंने सिलाई सीखी। यहाँ सीख लेने से कुछ तो फर्क आया ही है। यहाँ से वापस घर जाने के बाद मशीन वगैरह लेने की कोशिश करूँगी। घर में कपड़े सीने की सोच रही हूँ, जैसे सादा ब्लाउज हो गया, फ्रॉक, ये सब तो मैं सी सकती हूँ। ब्लाउज फ्रॉक वगैरह तो सीख लिया है, बच्चों के और घर के लोगों के कपड़े तो सी ही लूंगी। परिवार की भी मदद कर सकती हूँ। साक्षरता में इतना सीखा है तो कुछ तो करना ही चाहिए।
ये अपने गांव में जाके मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग सिलाई करेंगे और करने से इनकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएंगी। जैसे इनको पैसे मिलेंगे, ये चार घर के कपड़े सिलेंगे, पहले तो अपने खुद के सिलेंगे, फिर उसके बाद में दूसरों के कपड़े सिलेंगे, दूसरों के कपड़े सिलने से इनको पैसे मिलेंगे, फिर धीरे धीरे इनके हाथों में और सफाई आ जाएंगी और ये अपने घर को एक प्रकार से खुद संभाल सकेंगी। खेती के काम करते हुए भी वो अपने घर के काम को संभाल सकते हैं। खेतों में मजदूरी करने वाले इन हाथों को अब हुनर मिल गया है। सचमुच इससे अब ये अपना जीवन संवार सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इनके सपने साकार होने से पहले ही बिखर जाएं। यहां से सीख कर जाने के बाद अगर ये सिलाई करना छोड़ दें तो सारा प्रशिक्षण तो यूं ही जाया हो जाएगा। सिलाई करने के लिए मशीन की जरूरत होगी और उसके लिए पूंजी चाहिए। वैसे ये महिलाएं आपस में ग्रुप बनाकर सिले हुए कपड़ों का भी व्यवसाय कर सकती हैं। इससे लाभ भी दुगना होगा, पर पूंजी तो इसके लिए भी चाहिए। मुझे उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो इनसे पहले प्रशिक्षण ले चुकी हैं। मैं चौथी की परीक्षा पास कर चुकी हूँ और नागपुर में जो सिलाई का प्रशिक्षण शुरू हुआ उसमें मैंने सिलाई सीखी है। मेरे लिए ये सब सीखना बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस तरह से अपने घर वालों को कुछ मदद कर पाऊंगी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मन तो पहले भी पढ़ने लिखने का करता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि तब मैं पढ़ ही नहीं पाई। एक महीने की ट्रेनिंग मैंने एक महीने का प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण में हम लोगों को फ्रॉक, सादा फ्रॉक, शर्ट, सलवार कमीज और ब्लाउज, ये सब एक महीने में ही सिखा दिया। ये सब सीखने के बाद अब मैं मशीन खरीदने के लिए ऋण लेना चाहती हूँ। अब यही देखना है कि इसमें सरकार से क्या मदद ले सकती हूँ। नागपुर जिले के बारे में सुना है, यहाँ साक्षरता कार्यक्रम में पुरुषों ने भी लगभग बराबर की संख्या में पढ़ना लिखना सीखा। क्या नव साक्षर पुरुषों के लिए भी इस तरह के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान है? मुझे पता करना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो साक्षरोत्तर कार्यक्रम में पुरुषों के लिए भी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। लगता है मछली पालन के बारे में बताया जा रहा है। क्या ये प्रशिक्षणार्थी पहले से इस व्यवसाय से जुड़े हैं या उनके लिए ये नया धंधा होगा? वैसे मछली पालन के काम में काफी बारीकियां हैं, थोड़ा इधर उधर हुआ तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए छोटी छोटी बातें भी बताई जा रही हैं। मछली का जीरा तैयार करने से लेकर उसकी बिक्री तक की बातें। लेकिन इस धंधे में पूंजी भी तो बहुत लगती है। मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए, हो सकता है कोई नई बात निकले। पहले मैंने गांव की रात्रि पाठशाला से पढ़ाई करके पांचवी पास की थी। फिर मुझे मछली पालन के एक महीने के प्रशिक्षण के लिए चुना गया। इसमें हमें मछली प्रजनन से लेकर उनके पालन और व्यापार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ नागपुर जिले के विभिन्न तालुका से जो नव साक्षर आए हैं उन्हें जिला साक्षरता समिति ने चुनकर भेजा है। यहाँ नव साक्षरों को हम लोग एक महीने का मछली पालन का विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले भी दूसरों के लिए मछली के व्यवसाय से जुड़े रहे और कुछ तो नए हैं। यहाँ के प्रशिक्षण में जो कुछ सीखा है उसे लगता है कि मैं अब अपना व्यवसाय भी कर सकता हूँ। मुझ में
आत्मविश्वास भी बढ़ा है। यहाँ से जाकर मैं मछली के बीज तैयार करने और मछली पालन का काम कर सकता हूँ। साक्षरता के माध्यम से अगर यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास जगा है तो अपने आप में ये बड़ी बात है। ऐसा मेरे गांव में क्यों नहीं हो पाया? निरंतर शिक्षण कार्यक्रम में मैं मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि हमने जो गेंस, हमें जो लाभ हुए हैं साक्षरता कार्यक्रम और साक्षरोत्तर कार्यक्रम के माध्यम से, इसे हम और दृढ़ कर सकें। जो लोग साक्षर हुए हैं वो फिर से रिलैप्स करके निरक्षर न हो जाएं, तो इसके माध्यम से एक ऐसा व्यासपीठ हमें हर गांव में या कुछ क्लस्टर्स में बनाना पड़ेगा जहां पर ये साक्षरता जिंदा रख सके। हालांकि महाराष्ट्र साक्षरता के मामले में पहले से ही आगे बढ़ा हुआ राज्य है, फिर भी यहां साक्षरता को जिंदा रख पाने की चिंता अभी भी बनी हुई है। यही चिंता तो मेरे गांव की भी है और यही तो तलाश है मेरी।